खबर आ रही है जहां दबंगों की खुलेआम दबंगई सामने आई है। इटावा से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां दलित युवक को बेल्ट से सड़क के बीचों बीच जमकर पीटा गया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है और पुलिस मामले पर कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रही है, कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है पुलिस। आपको बता दें मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान दलित युवक की पिटाई की गई दबंगों द्वारा। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दबंग दलित युवक की पिटाई कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है, बेल्ट चप्पल, और दलित युवक को कई लोग मिलकर मार रहे और यही वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है जहां दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और खुलेआम युवक को पीट रहे हैं। और आपको बता दें कि युवक को, दलित युवक को बीचों बीच सड़क पर बेल्ट से पीटा गया है, चप्पलों से पीटा गया है। और मामला सिर्फ इतना था कि युवक की बाइक टच हो गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरा यह मामला है, दलित युवक की इस तरीके से पिटाई करी गई है बीचों बीच सड़क पर और बोलने वाला कोई नहीं है? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपको बता दूं जिस तरीके से थाना उत्तराहार क्षेत्र का मामला है जहां पर 30 तारीख का जो मामला बताया जा रहा है जहां पर जो गणेश विसर्जन की जो कार्यक्रम था उसी में लेकर के जो गणेश विसर्जन में जा रहा था तभी एक रास्ते में एक गांव के ही युवक के जो मोटरसाइकिल है उसने वो मार देता है और उसके बाद में कहा सुनी होने पर इतनी दबंगों का वो है कहर है जो कि कुछ तरह हम बीच चौराहे पर बीच सड़क पर उसको पीटा गया और बेल्टों से पीटा गया। जब इसमें गांव के कुछ लोगों ने आकर के किया तो उनको एक जातवाद का एक वो दे उतार के उस युवक को बाकी बेरहमी से मारा है। इस पूरे मामले को लेकर के जब वो युवक अगले दिन थाने पहुंचता है, तहरीर देता है, ये मामला 30 तारीख का बताया जा रहा है जबकि आज 24 तारीख हो गई है, उसके बावजूद भी थाना पुलिस ने अभी तक उन दबंगों पर कोई भी कार्रवाई जैसी वो नहीं की गई है। जी प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ ऐसे कारण सामने आ रहे हैं जो आपको पता हो, अपडेट हो कि क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये कार्रवाई की यदि बात की जाए तो जानकारी मिली है कि जो पूर्व जो प्रधान है उनके जो दोनों बेटे हैं उसी इसी कारण से उनका पूर्व प्रधान का दबदबा उस थाने में रहता है, इसी कारण से उन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि साफ तौर पर एक दलित युवक के ऊपर इस तरीके से यादवों का कहर टूटा है तो कहीं ना कहीं अभी भी इटावा के अंदर दबंगों उनकी क्या कुछ प्रक्रिया है, क्योंकि जो पीट रहे हैं वो तो जो वहाँ के ग्राम प्रधान है उनके ही बेटे हैं। जी बिल्कुल, इस संबंध में जो आसपास के लोग बाग हैं पर कैमरे के सामने तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भैया प्रधान के लड़कों से आकर कौन भिड़े, क्योंकि हम लोग तो गांव में ही रहना है। इस तरीके की इनकी दबंगई हर समय हर जगह पर देखी जाती है, इसलिए हम लोग बीच में, पर उन्होंने कोशिश काफी की उस युवक को बचाने का, गांव वालों ने काफी कोशिश की पर उनके हड़काई द्वारा, आप वीडियो में रिकॉर्ड है कि उनके द्वारा हाथ जोड़ करके निवेदन किया गया कि आप मेरे जाति के हैं, आप लोग दूर रहे, आप लोग ना इस मामले में पड़े, और एक दलित होने के कारण से उस युवक को भी सड़क पर बेरहमी से पीटा जा रहा है। जी जी प्रमोद जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक तरफ देश जातिवाद से लड़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम जानकारी देने के लिए प्रमोद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है और प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि दलित संगठनों ने मामले पर अपना आक्रोश जताया है, बावजूद इसके यहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
धड़क।